यहाँ पे 276 mm का डिस्क मिलता है टॉप वेरिएंट में, वहाँ पे 240 mm का डिस्क मिलता है विदाउट ABS, IBS वाले वेरिएंट में, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS भी मिल जाएगा। प्राइस डिफरेंस भी बता देते हैं 125 में और 160 में क्या रहता है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में, बाइक के बारे में सारी डिटेल आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। ये रहने वाला है अपना टॉप एंड वेरिएंट यानी कि विद ABS, बट आज के वीडियो में अपन लोग कवर अप करेंगे बेस वेरिएंट यानी कि विद IBS। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, ABS बेस वेरिएंट में नहीं है जो कि अपने को मिलता है टॉप वेरिएंट में। और भी एक दो चीज़ें हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि i3S है एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाता है जो कि है हज़ार्ड, i3S टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता। अभी बात करते हैं इन डिटेल और भी क्या कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वेरिएंट टोटल दो रहते हैं, IBS और ABS। कलर ऑप्शन टोटल अवेलेबल रहेंगे तीन, ये है अपने पास ऑरेंज और सिल्वर या फिर रेड और सिल्वर भी इसको कह सकते हो। ड्यूल टोन वाला सेटअप यहाँ पर है, ये रहा ऑल ब्लैक जिसकी कि एक कह सकते हैं इस कलर की डिमांड ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहती है, और भैया इनकी भी डिमांड काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहती है। हीरो में है अपन ना स्प्लेंडर डिलक्स, आज है वेनसडे, नेक्स्ट लेवल रश अभी लगा हुआ है शोरूम में, तो थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज आएगा उसको प्लीज़ इग्नोर करना। थर्ड और लास्ट कलर ऑप्शन हो जाता है ब्लू और सिल्वर, जैसे कि यहाँ पे रेड का यूज़ है, रेड की जगह आप रिप्लेस कर दो ब्लू से, वहाँ पे बाहर अभी अवेलेबल है बट आप लोगों को इतना विजिबल नहीं रहेगा। तो इस टाइप से टोटल तीन कलर ऑप्शन, दो वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है प्राइसिंग में भी चेंज रहेगा। बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर आपको कॉस्ट करता है 1,13,700 रुपये, लगभग 1.14 कंसिडर कर सकते हो। टॉप वेरिएंट ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा लगभग 1,20,000 के अराउंड, 1.20 ऑन रोड जयपुर। तो ये हो जाती है प्राइसिंग, वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल कंप्लीट। अब बात करते हैं एक बार इग्निशन ऑन करके देखते हैं, तो इस टाइप से यहाँ आपको रेगुलर पैटर्न में की मिल जाएगा, दोनों ही सेम की है हीरो की मार्किंग के साथ, इग्निशन रेगुलर जगह पे है। इग्निशन ऑन करते हैं उसके साथ ये वाला लाइटिंग सेटअप अपना ऑन रहता है, लाइटिंग ओवरऑल LED में मिल जाता है हज़ार्ड के साथ, हज़ार्ड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में हज़ार्ड नहीं रहता IBS वाले में, यानी कि इस वाली गाड़ी में हज़ार्ड नहीं है, और एक इस वाली गाड़ी में आपको मिल जाता है हज़ार्ड का ऑप्शन। तो हज़ार्ड ऑन के साथ भी एक बार ना अपन लोग लुक देख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये लुक बनेगा अपना हज़ार्ड ऑन होने के बाद, और यहाँ पे तो हज़ार्ड है ही नहीं तो उसकी बात अपन को करनी नहीं है। नंबर प्लेट होल्डर आ जाता अपना फ्रंट हेड पे, लाइटिंग ओवरऑल LED में ही इंडिकेटर है, यहाँ पे बेस वेरिएंट में भी रहने वाला है। सस्पेंशन देखते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाता है, ट्रेवल और थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फ्रंट मडगार्ड ड्यूल टोन बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक वाला पार्ट भी रहेगा। फ्रंट डिस्क का साइज़ की बात करते हैं ना तो ये भी चेंज रहेगा वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, बेस वेरिएंट में यहाँ पे अपने को मिलेगा 240 mm का डिस्क, 240 mm का डिस्क मिल जाता है बाइब्री ब्रेकिंग के साथ, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम IBS तो यहाँ पे अवेलेबल है ही जो कि वेरिएंट है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग की बात करते हैं तो 90-90-70-90 सेक्शन MRF ट्यूबलेस टायर यहाँ पे रहेगा, टायर का पैटर्न ये रहा, टायर सेक्शन ओवरऑल आपका सेम ही रहेगा दोनों ही वेरिएंट में। इस टाइप से अलॉय है, अलॉय का कलर सभी कलर ऑप्शन के साथ मैट ब्लैक वाला ही ये सेटअप भी रहेगा। रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप से, ये रहा आपका क्लच लीवर, रबर कवरिंग आ जाएगा, और ये रहा अपना ब्रेक लीवर। सो फ्रंट ब्रेकिंग तो अपनों को यहाँ पे बाइब्री मिल जाता है, रियर में यहाँ पे रहता है ड्रम। टायर सेटअप देखते हैं रियर का, तो टायर का पैटर्न ये रहा कुछ इस टाइप से, ग्रेडिंग रियर की भी ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, एक टायर अगर आ जाता है रियर वाला पार्ट जिसपे कि रिफ्लेक्टर भी रहेगा, और एक टायर अगर अपना फ्रंट में आ जाता है रियर ड्रम रहने वाला है, दोनों ही वेरिएंट में रियर में ड्रम ही रहेगा 130 mm का विथ IBS। टायर की ग्रेडिंग है जी रियर की 120-80-17, 120 सेक्शन का टायर अपने को मिल जाता है रियर में, 120-80-17 ये अपना टायर सेटअप भी कंप्लीट रियर का। रियर सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है मोनोशॉक मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ जो कि वाइट कलर में ये रहा, लगभग हो सकता है ये 7-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ही अवेलेबल रहेगा। ड्यूल टोन वाला सेटअप रहता है जो कि साइड प्रोफाइल से भी ज़्यादा विजिबल रहेगा। हीरो का स्टिकर आ जाता है एक छोटा वाला पार्ट, इस टाइप से सस्पेंशन है, हीट शील्ड यहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा एक ड्यूल टोन ये भी आ जाता है। शेप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करेगी 160R 4V से भी, इस टाइप से फुटपैक्स हैं, रबर कवरिंग राइडर के लिए, पीछे के लिए कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, वाइब्रेशन ना आपको पैर पे रबर कवरिंग की वजह से काफ़ी कम फील होते हैं। इस टाइप से कुछ इंजन का लेआउट है, अच्छी चीज़ जो कि किक वाला पार्ट भी यहाँ पे मिल जाता है ऑयल चेक करने के लिए या फिर लेवल चेक करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग के साथ यहाँ पे एक ऑयल चेक विंडो भी मिल जाती है और स्टिक भी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। ड्यूल टोन में ही इंजन का भी लेआउट है, इंजन यहाँ पे मिल जाता है 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वॉल्व 5-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ,
11.4 HP का पीक पावर और 10.5 mm का टोटल आपका टॉर्क रहेगा। ये जो आपका इंजन काउल है वो भी पार्ट ऑफ एसेसरीज रहने वाला है और लेग गार्ड भी पार्ट ऑफ एसेसरीज यहाँ पे रहेगा। कैटलेटिक कन्वर्टर पे भी एक छोटा गार्ड वाला पार्ट आ जाता है। साइड प्रोफाइल और कवर करते हैं स्पेसिफिकेशंस, तो सीट कुछ इस टाइप से है। दोनों ही वेरिएंट में स्प्लिट वाला सीट मिलेगा, थोड़ा सा एक स्पोर्टी टच देने के लिए सीट का जो हाइट है ना वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। रियर का मिल जाता है, रियर लाइटिंग कुछ इस टाइप से ये ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। कंप्लीट एक डार्क वाला थीम है, टेल टाइडी भी काफ़ी छोटा है जिससे कि स्पोर्टी टच और आ जाता है। अगर बाइक ले रहे हो ना, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें करना है तो ये टेल टाइडी हटवा के आप लोग यहाँ पर ना यूनिवर्सल वाला छोटा टेल टाइडी वाला पार्ट भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि रियर लुक और ज़्यादा इनहेंस हो सकता है, या फिर नंबर प्लेट आप टायर हगर पे भी लगवा सकते हो। स्कीम दे दिए तो मैंने ना, ये चीज़ ज़रूर से कर लेना, लुक और अच्छा हो जाएगा। रियर ग्रे ब्रेल स्प्लिट वाला पार्ट, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है। सीट हाइट यहाँ मिल जाती है टोटल 794 mm का, 794 mm का सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है लगभग एक कह सकते हैं 167 mm के अराउंड, 165 mm के अराउंड ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस है गाड़ी में 1319 mm का, 1319 mm का टोटल आपका व्हील बेस है। सो ये अपना साइड प्रोफाइल भी कंप्लीट। एक बार अपोजिट साइड प्रोफाइल कवर कर लेते हैं, फिर करते हैं बाइक को स्टार्ट और MID कवर करते हैं। सो ये रहा अपना अपोजिट साइड का सेटअप। यहाँ पे ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, जो फुटरेस्ट है, ये गाड़ी ना डिलीवरी के लिए रेडी है। अभी मेरा वीडियो शूट डन होते ही इस गाड़ी की डिलीवरी है। सो ये वाला जो फुटरेस्ट है, लेडीज़ फुटरेस्ट है, ये आप लोग भी इंस्टॉल करवा सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो ये आप लोग ज़रूर से करवा सकते हो। दोनों ही स्टैंड आ जाते हैं, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ, सिंगल हेड में गियर लीवर है। ये बनता है अपना अपोजिट साइड प्रोफाइल। इंजन का लेआउट ये रहा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है 10 लीटर का फाइबर कवरिंग, 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक E20 और वार्निंग स्टिकर आ जाता है, प्लस फ्यूल कैप कुछ इस टाइप से है। एक्सट्रीम की मार्किंग है जो कि बॉडी कलर के अकॉर्डिंग एक्स का कलर अपना चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है USB टाइप कवरिंग के साथ, तो ये चार्जर की लोकेशन आपका यहाँ पे है। स्विची सेटअप देखते हैं। क्लच का फील इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, काफ़ी लाइट है। यहाँ जाता है अपना पास वाला स्विच जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी आपका वर्किंग रहेगा। LED का डिसेंट थ्रो मिल जाता है, आई बीम लो बीम इंडिकेटर, जैसे सिंगल बजर में हॉर्न है। राइट साइड पर आ जाता है आपका I3S का एक स्विच और 3-in-1 किल स्विच प्लस स्टार्टर और बार एंड, ये आपको मिलेगा यहाँ पे मेटल में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। थ्रोटल और ग्रिप कवर ये रहा आपका। लेते हैं बाइक को स्टार्ट पहले, फिर कवर करेंगे MID। सो स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये अपना हेडलैम्प ऑन के साथ लुक आएगा, दोनों अपना प्रोजेक्टर वाला सेटअप ऑन है। ये लो भाई, ये कंप्लीट आपका रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर, पूरा हेडलैम्प ऑन हो चुका है। थोड़ा सा रेव कर लेते एक बार ना बाइक को। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप है यार इस बाइक का ना, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं या फिर थोड़ा अपर सेगमेंट में भी कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप ओवरऑल यहाँ पे मिलता है MID का स्टार्टअप। ये रहा, गियर इंडिकेटर भी है, ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडोमीटर और पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग एवरेज भी यहाँ पे शो होगा। क्लॉक आ जाता है, फ्यूल गेज ये रहा, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स और RPM मीटर भी यहाँ पे मिल जाता है हीरो की मार्किंग के साथ। तो ये अपना MID भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। अब ये तो है देखो एक्सट्रीम 125R टॉप बेस अपन लोग देख ही चुके हैं, और यहाँ पे है एक्सट्रीम 160R भी, जो कि आज ही अवेलेबल हुआ है अपने पास, 2024 वाला वेरिएंट सिंगल सीट। इस बाइक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पे, EMI वाला वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ, जो कि वो भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी इससे पहले आ चुका होगा। नया वाला कलर ऑप्शन प्लस कार्बन वाला लेआउट है यहाँ पे अब आ चुका है 160R 4V में भी, फ्रंट में भी और एक साइड प्रोफाइल वाला पार्ट भी। तो कुछ इस टाइप से ये लुक बन रहा है कार्बन के साथ। तो ये अपना नया वाला कलर, ये रहा आपका नियॉन वाला कलर। अब प्राइस डिफरेंस भी बता देते हैं 125 में और 160 में क्या रहता है। तो 160 अपडेट के साथ अभी के लिए कॉस्ट कर रही है 163,500 रुपये, 1.6350 रुपीज़ 160R 4V। वहाँ पे प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। टॉप वेरिएंट 120 और मिड बेस वेरिएंट 114,000। तो ये अपनी डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। अब एक और डिफरेंस अगर देखते हैं ना, तो डिस्क का साइज़ में भी यहाँ पे अपना चेंज रहता है। यहाँ पे 276 mm का डिस्क मिलता है टॉप वेरिएंट में, वहाँ पे 240 mm का डिस्क मिलता है विदाउट ABS
IBS वाले वेरिएंट में, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS भी मिल जाएगा। तो करते थे वीडियो एंड, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बता देना है। अच्छा लगा हो एक लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप लोग शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज़ आया होगा उसके लिए भैया सॉरी है, बट उसका अपन लोग ना कुछ नहीं कर सकते। हीरो में, होंडा में, बजाज में रश भरपूर एनी टाइम आप लोगों को मिलने वाला ही है। सो मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।